चीन ने पाकिस्तान को एक शक्तिशाली मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बेचा है। यह खबर दक्षिण चीन के मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने दी। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कितनी राशि खर्च की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही परीक्षण और नई मिसाइलों को विकसित करने के इरादे से ये सिस्टम तैनात किया है। माना जा रहा है कि भारत द्वारा आज ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट करने के बाद इस डील की खबर सामने आई है। पाकिस्तान और चीन के बीच हुई इस डील पर भारत की पैनी नज़र है। ऐसे में भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती काफ़ी बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच रिश्ते आर्थिक से सामरिक हितों तक पहुंच गए हैं। चाइनीज साइंस एकेडमी ने भी पाकिस्तान के मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम खरीदने की पुष्टि की है। चाइनीज साइंस एकेडमी के जारी बयान में कहा गया है कि चीन ऐसा पहला देश है जो इस तरह की संवेदनशील तकनीक को बेच रहा है और उसने यह तकनीक पाकिस्तान को दी है। चाइनीज साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर मैंग वई ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से इस बात की पुष्टि की। समाचार पत्र की रिपोर्ट में बताया गया कि जायदा टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर कई एंगल से यह सिस्टम एक साथ कई मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इससे टारगेट मिस करने का खतरा कम हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है। भारत का यह मिसाइल टेस्ट 2 महीने पहले किए गए अग्नि 5 के परीक्षण के बाद किया गया है।